तो स्फेरिकल पहली डेरिवेशन है, पहला टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है, कहां से कहां, रेयरर से डेंसर में, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, ये आपका कन्वेक्स है तो रेयरर टू डेंसर लाइट जा रही है और रियल इमेज है। तो आपने अपनी रफ कॉपी में डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना ही बनाना है, हर केस में जितने भी डायग्राम है ऑप्टिक्स में वो बनाने ही बनाने हैं क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, तो ये डायग्राम बनाओ पहला। तो डायग्राम के अंदर ये लो, ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो ये बनाया, आपने एक ऑब्जेक्ट को लेना है, मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट से एक रे आपने सीधी पास करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, एक रे सीधी, ठीक है। तो ये पास करना है, तो एक रे इस सरफेस को जाके हिट करने वाली है, ऐसे एक रे हिट करेगी, रिफ्रैक्शन होगी, इसकी नहीं होगी, ये तो नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, पर उसकी होगी। अब एक रूल है, रूल ये है कि कोई भी अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और स्फेयर है और मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, स्फेयर के सेंटर से। उसी तरीके से जब मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये मेरा एक नॉर्मल है जो कहां से पास करेगा, सेंटर से, ठीक। तो नॉर्मल ड्रॉ करो और नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। अब रे ऑफ लाइट यहां से आई, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ऑब्वियसली इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और यहां आके मिलेगी, तो यहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और एक्चुअल में दो रेज मिल रही है तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट है और वो रियल इमेज है। यहां था क्लियर है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट उसका एंगल हमेशा क्या लेना है, अल्फा। इमेज का एंगल बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या लेना है, बीटा। और सेंटर का एंगल हमेशा क्या लेना है, गामा। अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। नाम बिल्कुल चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट को ओ, इमेज को आई, सेंटर को सी, इसका नाम ए ही रखना है, ए। और ये P फॉर पोल, पोल। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर, क्यों करना है बताऊंगा अभी। और इस परपेंडिकुलर का नाम हमेशा AM रखना है, AM, AM, बताऊंगा क्यों, AM, ठीक है। इसके अंदर रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट ये रही, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसी ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी, रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर, सही है। तो डायग्राम के रट्टे मत मारना, खोल खोल के ऐसे गया ऐसे गया, इसका टेक्निक है बनाने की, तो टेक्निक समझो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या टेक्निक है, तो मैं डायग्राम प्रैक्टिस करवाऊंगा पांच के पांच, अभी आपको अपने समझ में आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये पहला डायग्राम है। यहां तक क्लियर है, देखो अब देखो करना क्या है इसमें, ध्यान से देखना प्लीज। ये डायग्राम के बाद सबसे पहले रिफ्रैक्शन का काम हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगेगा, अपनी बुकलेट पे ओपन कर लो इसे, एनसीईआरटी वाली, स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर।
तो पहला स्टेप क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एंगल अगर छोटे हैं तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, ये एक स्टेप क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्लियर है, राइट? यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो, ये ट्राइंगल याद करने हैं, क्या कौन से दो ट्राइंगल? आई ए सी ओ ए सी, बस हर में यही चलेंगे, आई ए सी ओ ए सी। देखो इन ट्राइंगल आई ए सी, ये रहा आई, ये रहा ए और ये रहा सी, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई, आर आ गया। इन ट्राइंगल आई ए सी के बाद इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी ये रहा, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन है? आई, तो आई किसके इक्वल है? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो ये टर्म आ गई। आई और आर को स्नेल्स लॉ के इस रिजल्ट में पुट कर देते हैं जो शुरू में निकाला था। तो ये मैंने पुट करके ये टर्म निकाल ली, ये स्टेप क्लियर है, ठीक। एंगल छोटे हैं इसमें, हम ये काम पेरेक्सियल रेज पे कर रहे हैं। पेरेक्सियल रेज का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलती हैं। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब है, हालांकि डायग्राम बहुत बड़ा बनाया लेकिन एक्चुअल में काफी करीब है, बहुत ऊपर जानी रेज पे नहीं करते। तो ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो टेन अल्फा, अल्फा या टेन अल्फा एक ही बात है। तो अल्फा या टेन अल्फा में लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाई एम ओ, बीटा गामा की जगह ए एम डिवाइडेड बाई एम सी, बीटा की जगह ए एम डिवाइडेड बाई एम आई। तो ये अल्फा बीटा गामा की जगह पुट कर दिया, तो ए एम ए एम ए एम ए एम क्या हो गया? कैंसल। तो एम की वैल्यू क्या हो गई? हर तरफ से कैंसल, ठीक। यहां तक नेक्स्ट स्टेप है, एम और पी, अपर्चर बहुत बड़ा नहीं है, एम और पी बहुत क्लोज है। हम सारे डिस्टेंसेज इसमें कहां से लेते हैं? पोल से लेते हैं। तो जहां जहां आपको एम नजर आ रहा है वहां वहां अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करेंगे? पी। तो जहां जहां एमओ एम सी एम सी एम आई की जगह पीओ पी सी पी सी पी आई, एम की जगह पी रिप्लेस कर दिया, ये भी क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन देख लो, आपने टेंथ में भी की हुई है। रेज कहां जा रही है? रेज राइट की तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल के इधर जा रही है, पोल से। राइट के डिस्टेंसेस को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव, और लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव। तो अगर लाइट ऐसे जा रही है तो पोल से सेंटर की दूरी प्लस आर, यानी कि पी सी अगर पूछूं तो क्या बोलेंगे? प्लस आर। पी आई इमेज का डिस्टेंस पी सी की जगह प्लस वी, लेकिन पी ओ ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव है तो माइनस यू। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इमेज पॉजिटिव है, तो रियल इमेज में ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन ऑपोजिट साइड, यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, और आर इसमें क्या है? पॉजिटिव, क्लियर है। तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज देखो यहां पुट की हुई है, तो ये वैल्यूज को पीओ पीसी पीसी पीआई में पुट करेंगे। पुट किया, रीअरेंज किया, आर वाली टर्म एक तरफ रखी और सॉल्व करके ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, ये फॉर्मूला माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो हेडिंग लिखें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हेडिंग लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, और लिखें हेडिंग रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर के अंदर क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखें माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये लो, ये लिख लें प्लीज।
ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट है रीफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए आपने क्या करना है जरा ध्यान से देखना। वर्चुअल इमेज में डायग्राम बनाए रफ के अंदर प्लीज, फिर से एक बार कन्वेक्स सरफेस ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा पास रखना, पोल के पास, उसमें दूर था इसमें थोड़ा पास रखना, नजदीक रखना। रिफ्रैक्शन कन्वेक्स पे कर रहे हैं और रेयर टू डेंसर कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए कर रहे हैं। तो रूल वही है, क्या रूल सिखाया था, एक रे यहां जाएगा तो इसके अंदर ये क्या है डेंसर और ये क्या है रेयरर, ठीक है, एक रे सीधी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक चीज और नोट करें, अगर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा रेयरर में मिलेगा। देखो रेज कहां से स्टार्ट होती है, जहां ऑब्जेक्ट पड़े। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में पड़ा हुआ है तो रेयरर से रेज निकलेंगी, कहां जाएंगी डेंसर, तो रेयरर डेंसर। अगर ऑब्जेक्ट ही डेंसर में पड़ा है तो रेज कहां से निकलेंगी, डेंसर से, तो डेंसर टू रेयरर। आप हर क्वेश्चन में यही देख लें कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, अगर रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर, अगर डेंसर में है डेंसर टू रेयरर, सबसे आसान काम यह है। चलो इसके अंदर ये क्लियर है। एक रे आपने कहां पास करनी है, इधर हिट करनी है, कर दी। फिर यहां पर क्या ड्रॉ करना है, इसका एक नॉर्मल जो सेंटर से पास करेगा, ये एक नॉर्मल है सेंटर से पास कर रहा है, ये रहा, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो यहां थोड़ी चलाकी करनी पड़ेगी, ध्यान से अभी करना मत। देखो कई लोग ना सीधे रास्ते चलते हैं, वो कहते हैं अच्छा नॉर्मल है, ये बेंड नॉर्मल की तरफ कर दिया। जैसी वो ये लगाएंगे कि जी मैंने तो नॉर्मल की तरफ किया था, ओ ये तो मिल गई गलती से, मैं तो रियल इमेज ही बन गई। भाई वर्चुअल का केस प्रूव करने को आएगा, मिला मत देना इन्हें। तो आप क्या करें इसमें, आप इसमें थोड़ी सी ट्रिक खेलें। आपको मोड़ी तो थी पर ज्यादा नहीं मुड़ पाई। देखो मोड़ी तो है, टुवर्ड नॉर्मल तो मुड़ी है, पर ये और ये मिल नहीं पाए। और अगर ये मिल नहीं पाए तो ऑब्वियसली इसकी इमेज कहां बनानी पड़ेगी मेरे को, यहां बनानी पड़ेगी। आई इज द इमेज, वो ना केस आपको गिवन होगा, रियल है या वर्चुअल है, रियल है मिला देना, वर्चुअल है कभी मत मिलाना, यही मिलाना, ठीक है यहां तक। बाकी गेम वैसे ही है, ऑब्जेक्ट का एंगल एल्फ है, इमेज का एंगल बीटा है, सेंटर का एंगल गामा है, ये नाम ए है, ये क्या है ये एम है परपेंडिकुलर, और ये क्या है ये रे आ रही थी ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करनी है, ज्यादा बेंड कर दी रियल इमेज बन जाएगी ना, तो हल्की बेंड करो ताकि यहां बने, ठीक है, तक यहां बनानी है वर्चुअल इमेज बनानी है। अब ये बताओ कि रे ऑफ लाइट इसमें, ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर, आई और आर। ठीक, तो इसमें ये डायग्राम यानी कि क्लियर है, ये डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। रूल वही है, देखो प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं, फिर स्नेल लॉ,
म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, एंगल छोटे हैं तो साइन हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख लिया। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ए ओ एंड सी, एक्सटीरियर एंगल कौन है आई, आई क्या है एल्फा प्लस गामा, ठीक। और ऐसे इन ट्राइंगल आई ए सी, ये आई ये ए और ये सी, इन ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है आर, तो आर किसके इक्वल है बीटा प्लस गामा। तो आई आ गया, आर आ गया, आई और आर को यहां पुट कर दिया, यहां पुट करके ये टर्म आ गई। अल्फा क्या चीज है, अल्फा इज ए एम बाई एम ओ, बीटा इज ए एम बाई एम आई, गामा इज ए एम बाई एम सी, तो ये टर्म आ गई ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसल, तो ये टर्म आ गई। तो यहां से एम किसके क्लोज होगा पी के, तो यहां पर लिखा हुआ है एम सी पी सी पी ओ पी सी पी आई, ये आ गया पी की फॉर्म में। अब एंड में क्या करना है, इसको ओपन कर दें, ओपन करके वैल्यूज पुट करें, ध्यान से देखें रेज कहां जा रही है राइट। अगर मैं पूछूं पीओ क्या है माइनस यू, पी आई क्या है माइनस वी, वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड, और पी सी क्या है इसमें फिर से पॉजिटिव। तो जब ये तीनों वैल्यूज को पीओ पी आई पी सी यहां पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मजे की बात है फॉर्मूला वही आएगा जो रियल का आया था। तो रियल और वर्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके सेम आंसर आएगा। तो रिफ्रैक्शन जब रेयरर टू डेंसर है, चाहे रियल चाहे वर्चुअल, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो दूसरा केस भी क्लियर है, ठीक है यहां तक। तीसरा केस, अब रिफ्रैक्शन किसमें करनी है, रेयरर टू डेंसर करनी है, लेकिन इस बार क्या लेना है, कन्वेक्स की जगह कनकेव लेना है, कन्वेक्स की जगह कनकेव लेना है। तो डायग्राम बनाएं प्लीज, तो डायग्राम ऐसा बनाएं, एक कनकेव बनाएं, ये कनकेव सरफेस है, ये म्यू टू है और ये म्यू वन है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, ये लो, डायग्राम बनेगा तो सब कुछ हो जाएगा। देखो अब ऑब्जेक्ट लेना है, देखो याद रखना इसमें ऑब्जेक्ट ना बहुत पास ले लेना, थोड़ा सा दूर लेना है, यहाँ पे लो, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये ऑब्जेक्ट से एक रे आप पास करो जो बिल्कुल स्ट्रेट जाने वाली है ऐसे, तो एक रे बिल्कुल स्ट्रेट पास करवाओ ये रे, और एक रे ये लो, एक रे ऐसी पास करवाओ, ठीक है। तो एक रे आ गई, नॉर्मल देखो इसका जो नॉर्मल बनेगा ना वो यहां कहीं बनेगा, सेंटर इसका यहां बनेगा सी, ठीक है ना, कर्वेचर इस तरफ है, सेंटर यहां बनेगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम कहां से कहां बोलो, रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नो, अब टूवर्ड इसका ऊपर है इसलिए रियल बनी नहीं सकती, इसे ऊपर बेंड हो जाना है, ऊपर बेंड होगी तो ऑब्वियसली पीछे डॉट 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 करके आपको क्या बनानी पड़ेगी, वर्चुअल इमेज, ये बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। अब ये हो गई ना, ऊपर चली गई नॉर्मल से तो वापस आएगी, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं करने वाला। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका नाम क्या है, ये ए है और ये एम है, ए एम है, ठीक है, एक ए और एक एम है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे है, ये येलो कलर का नॉर्मल है, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना आई,
नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना रे का आई, और रिफ्रैक्शन क्या बना यहां से आर, ये एंगल बनेगा आर। तो इसमें ये इसमें एक ये भी बात है, ये आर है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये देखो ये एंगल भी क्या निकलेगा आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर निकलेगा, देखो आर एंड आर, ये देखो इसमें ज़्यादा दिखेगा, बेटर दिखेगा। ये देखो ये आर है, यहाँ डायग्राम में बना लेना अपने बुकलेट में, ये आर है और अगर ये आर है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी आर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो स्नेल्स लॉ से शुरू करें तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फिर से म्यू वन इंटू साइन आई म्यू टू इंटू साइन आर, एंगल छोटे हैं तो यहां तक की क्वेश्चन आई गई। अब फिर से एक बार इन ट्राइंगल ए ओ सी इन ट्राइंगल आई ए सी, ये रहा ए ए ओ एंड सी, ये रहा तो ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से इन ट्राइंगल आई ए सी, आई कहां पर है ये रहा आई, आई ए सी एक्सटीरियर कौन है गामा, गामा क्या है बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, ठीक है यहां तक क्लियर है। तो आई आ गया आर आ गया, आई और आर को उठा के यहां पुट कर दें, यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आ गई, फिर वही सेम स्टोरी, अल्फा इज ए एम बाई एम ओ, बीटा ए एम बाई एम आई, गामा ए एम बाई एम सी, ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसल, एम की जगह पी रिप्लेस कर दो तो ये टर्म आ गई। अब साइन कन्वेंशन देख लो, रेज कहां जा रही है टुवर्ड्स राइट, अगर मैं पूछूं पी ओ क्या है माइनस यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव है, पी ओ क्या है माइनस यू, पी आई क्या है माइनस वी, वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड और रियल में ऑन द ऑपोजिट साइड, पी सी माइनस आर, तो कन्वेक्स में आर पॉजिटिव था कनकेव में आर नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है इसमें, तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे मजे की बात है आंसर फिर से सेम आएगा, तो रेयरर टू डेंसर में अच्छी बात है फॉर्मूला सेम है, जो मर्जी केस आ जाए सेम है, ठीक है यहां तक। ठीक है नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो अगर डेंसर टू रेरर जाना है अब देखो उल्टा काम करना पड़ेगा, अब फिर से क्या है कन्वेक्स, डेंसर टू रेरर में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना पड़ेगा डेंसर में ताकि रेज डेंसर से रेरर जाए, तो ये रहा डेंसर यही देख लो, ये रहा डेंसर, ऑब्जेक्ट को डेंसर में एक रे सीधी जाएगी, एक रे यहां जाएगी, इसका नॉर्मल यहां मिलेगा और रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो रियल इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा बीटा गामा आई आर और ये परपेंडिकुलर। तो आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है कोई जरूरत नहीं है बन जाएगा, ठीक है रूल वही है, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से स्नेल लॉ इसमें कैसे लगेगा, म्यू टू इंटू साइन आई म्यू वन इंटू साइन आर, जबकि उसमें उल्टा था उसमें म्यू वन इंटू साइन आई था, इसमें म्यू टू इंटू साइन आई म्यू वन इंटू साइन आर, तो एंगल छोटे हैं तो ये टर्म आ गई, इन ट्राइंगल ओ ए सी आई ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी में एक्सटीरियर गामा इज एल्फा प्लस आई और इन ट्राइंगल आई ए सी में एक्सटीरियर आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, तो आई और आर निकाल लिया, आई और आर की वैल्यू को यहां पुट कर लिया, वही रेशियो ले ली अल्फा ए एम बाई एम ओ ऐसी गामा ऐसी बीटा, ए एम कट गया एम की जगह पी रिप्लेस कर दिया, साइन कन्वेंशन बोलो, रेज कहाँ जा रही है डेंसर टू रेरर इधर जा रही है, तो पी ओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक बार फिर से नेगेटिव क्योंकि रेज इधर जा रही है ऑब्जेक्ट उल्टा पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव है, तो पी ओ इज माइनस यू,
पी आई इज प्लस वी, रियल इमेज में ऑब्जेक्ट और इमेज अराउंड द ऑपोजिट साइड, और इसमें रेडियस क्या है, नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है। रेयरर टू डेंसर में जो किया था कन्वेक्स में, रियल में यू नेगेटिव वी पॉजिटिव था, लेकिन आर उसमें पॉजिटिव था, इसमें आर नेगेटिव है। डेंसर टू रेयरर में आर नेगेटिव है। तो जब यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे ये सारी, इस बार आंसर उल्टा आएगा, इस बार सेम नहीं आएगा। तो डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में फॉर्मूला लिखो माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और रेयरर टू डेंसर में क्या फॉर्मूला था, वो बिल्कुल उल्टा था, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू, सॉरी ये कितना है, म्यू टू है, म्यू टू बाई यू म्यू वन बाई वी, ठीक है। तो क्या रिजल्ट था, रिजल्ट था म्यू वन बाई यू म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। कुछ नहीं करना, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला याद है ना, जहां म्यू वन है वहां म्यू टू कर दो, जहां म्यू टू है वहां म्यू वन कर दो, आंसर आ गया। चेक कर लो, डेंसर टू रेयर में रेयर टू डेंसर से फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा आया हुआ है, बस म्यू वन की जगह म्यू टू आया, म्यू टू की जगह म्यू वन आया। तो एक्चुअल में तो एक ही फॉर्मूला याद करना है, दूसरा तो अपने बन जाएगा, ठीक है यहां तक। ठीक है, तो इसमें अब लास्ट केस है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लेकिन कनकेव में। तो डायग्राम देख लो एक बार कि कनकेव, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखना है, एक रे सीधी, एक रे यहां हिट करेंगे नॉर्मल सेंटर से, तो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल यहां के मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ आई बनाया और यहां पर आर बनाया, बाकी सेम है। साइन कन्वेंशन देख लें, रेज राइट जा रही है, पी ओ नेगेटिव, यू तो हमेशा ही नेगेटिव है, और क्योंकि पता है कि इमेज क्या बननी है वर्चुअल, तो वी भी इसमें नेगेटिव, पी आई भी नेगेटिव और आर इसमें पॉजिटिव, जबकि रेयर टू डेंसर में आर कनकेव में नेगेटिव था और डेंसर टू रेयर में आर इसमें पॉजिटिव है। तो स्नेल्स लॉ वैसे लगेगा, म्यू टू साइन आई म्यू वन साइन आर, फिर इन ट्राइंगल ए ओ सी आई ए सी से एक्सटीरियर एंगल से आर और आई पुट करके, सेम वैल्यूज पुट करके, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला वही आएगा डेंसर टू रेयरर का जो भी किया। तो डेंसर टू रेयरर का एक फॉर्मूला, रेयरर टू डेंसर का एक फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक।